लाख रुपया फिरौती नहीं देने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी। कटिहार जिला मनिहारी थाना क्षेत्र भागमारा गांधी टोला निवासी मनीष कुमार पिता स्वर्गीय विश्वनाथ पासवान, जो कटिहार के फकीर तकिया में भाड़े के रूम में अपना कोचिंग चलाता है। मनीष कुमार का बयान के मुताबिक दिनांक 16 अगस्त 2024 को करीब 12:30 बजे दिन में एक 4-चक्का वाहन से गांधी यादव उम्र 50 वर्ष, स्वर्गीय रामनाथ यादव, सोनू यादव उर्फ छोटू यादव उम्र 23 वर्ष, दही यादव उर्फ लालू यादव उम्र 21 वर्ष, सुमन यादव उर्फ बमबम यादव उम्र 19 वर्ष, सभी गांधी यादव समेत सभी बागमारा थाना मनिहारी जिला कटिहार के हैं, तथा मुन्ना यादव उम्र 25 वर्ष, पिता राजा यादव साकिन सोरा पार टाल थाना मनिहारी जिला कटिहार के निवासी हैं, एवं आशीष यादव पिता नामालूम एवं अन्य मुझे बलपूर्वक कार में बैठा लिया तथा आड़गाड़ा चौक पर एक रूम में बनकर मुझे 10 लाख रुपए का फिरौती मांगने लगे। कटिहार में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं पकड़ तकिया में रह के, और वहाँ 16 तारीख के डेट में 6 लड़का से आता है और वो बोलता है कि तुम चलो और तुमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, एग्रीमेंट हम चलो कर देते हैं। वो हमको अगड़ा चौक लेके जाता है और अगड़ा चौक ले जाने के बाद वो हमको बोलता है कि 6 बजे तक का समय है तुमको, और 6 बजे के बाद तुमको फिर क्या होगा तुम समझना, और तुमको कम से कम अभी 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद हम सर पूरा फैमिली को फ़ोन उन लगाए, हम मेरे ही मोबाइल से सब लगवाया फ़ोन, और 10 लाख का बात बोलने लगा तो हमसे अरेंज नहीं हो पाया। तो 11 बजे रात को फिर वो बोलता है कि फ़ोन लगाओ, तो हम फ़ोन लगाए, फिर दीदी को बोलता है कि 1 लाख रुपया फिर करो तुम कम से कम अरेंज, 1 लाख भी नहीं हुआ। तो बोलता है कि सुबह 10 बजे तक किसी तरह से तुमको 1 लाख भी करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारा जो हाल होगा तुम समझना। तो 10 बजे तक अरेंज नहीं होने के कारण वो लोग फिर 10 बजे से ले कर 4 बजे तक हमको लात घुस्सा फैट बेल्ट इससे मारना स्टार्ट किया, जिसमें कि उसके पास जो है हथियार भी था। कटिहार नगर थाना क्षेत्र में ही? नहीं, हाँ कटिहार नगर थाना क्षेत्र में, लेकिन मेरा हमको जो रखा था वो सर अरगड़ा चौक में रखा था वो नगर थाना क्षेत्र। जी जी जी, जो कि गांधी यादव था उसका बेटा जो था सोनू यादव उर्फ छोटू यादव, इसके बाद लालू यादव, धैया यादव और सुमन यादव, ये जिक्र होता था आशीष करके नाम सर, हम फेस देखने पर हम पहचान लेंगे सर। फिर कहाँ ले गया वो? फिर हमको भागलपुर लेके जा रहा था, ऑटो में बैठाया अरगड़ा चौक से और वो मनिहारी मोड़ तक लेके आया। मनिहारी मोड़ में फिर हमको बस में बैठाता है, बस में बैठा के भागलपुर ले जाने के दरमियान में कोलासी थाना से मतलब कि 20 मीटर की दूरी में हम जो है पेशाब करने के बहाना से वहाँ पर मतलब कॉन्ट्रेक्टर को बोले कि रोकने के लिए, रोकने के बाद जो हम दौड़ते हुए थाना चले गए। थाना जब गए वहाँ पर तो थाना वाला को हम जिक्र किए बताएं, तो उसी समय फिर ये लोग जो है गाड़ी लेके पहुँचा, छोटू पहुँचा और 4-5 लड़का पहुँचा जी, और उसमें से आशीष था, एक लड़का और भी था वहाँ पे सर। इसके बाद वो थाना में क्या क्या किया, आधा घंटा के बाद थाना वाला भी हमको जो है उस तरह से व्यवहार भी बढ़िया से नहीं किया, और थाना हमको 4 दिन रखने के बाद 21 तारीख को डेट में हमको बोलता थाना वाला को चलो तुमको घर में सुप्रीत कर देते हैं, और थाना से भी हमको फ़ोन करवाता था कि तुम पैसा लेके आओ पैसा लेके आओ, घर वाला अरेंज नहीं कर पाया अन्य करने कारण वो देख लिया कि नहीं मिलने वाला पैसा, इसके बाद हमको घर में ले जा 21 तक थाना में है सर जी। और घर जब पहुँचे हैं तो हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाया है जिसमें सिग्नेचर भी करवाया, मेरे पास एविडेंस है सर कि वो थाना वाला हमको पहुँचाया घर में, जो कि समाज कर्मी 20 को देखा है सर। अब सवाल ये है, पीड़ित मनीष कुमार को 4 दिन तक कोलासी थाना में रखना और उनसे लगातार पैसे का डिमांड करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। खैर ये तो एक जांच का विषय है, फिलहाल पीड़ित मनीष कुमार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार कटिहार को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।